और भैया क्या हाल चाल है सभी लोग के, सभी लोग का स्वागत भैया आज के नए वीडियो के। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड गाइस मजेदार टॉपिक के बारे में। गाइस मुझे काफी सारे कमेंट्स आए थे, रोज रोज भी कमेंट्स आते हैं। तो गाइस आपका भाई फाइनल वीडियो लेके आ चुका है, उसके अंदर कितने डायमंड लगेंगे एंड गाइस कितने कौन सी डेट को है किस इवेंट में है सब कुछ, एक एक पुर्जा से लेके हिर्जा तक सब कुछ आपको डिटेल के साथ बताने। तो बस वीडियो के एंड तक जो से वॉच कर लेना एंड गाइस अगर आपने अभी तक प्यारे प्यारे तो वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो प्लीज को लाइक कर देना, क्योंकि 30 लाइक है, छोटा सा लाइक है, मैं छोटा सा माइलस्टोन रखते हैं सब्सक्राइबर्स का। तो देखो यार मैं 4 साल यूट्यूब पे होने वाले बट 10K अभी तक नहीं क्रॉस हो पाए हैं, तो बड़ी मेहरबानी होगी जो आपको उनके रेड लगा सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब उसे कर देना। आपके सब्सक्राइबर से भी हमको 10K रीच होने में काफी ज्यादा मिल जाएगा। देखो दूसरे की हेल्प करना एकदम भला का काम है ना, तो प्लीज सब्सक्राइब उसे कर देना, वीडियो लाइक उसे कर देना एंड कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता तो प्लीज कमेंट से पूछना। हम लोग करते वीडियो को स्टार्ट। वीडियो के बढ़ाने से पहले जैसे कि आप लोग पता है हमेशा करते हैं खेला के, और जिसके अंदर आपके कुछ कमेंट्स होंगे मेरे होंगे आंसर, काफी सारे पे क्वेश्चन सब्सक्राइब वाले हमसे पूछे हैं तो उन सबका एक लाइव हम लोग है ना इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो यार यहाँ पे मेरे को सब्सक्राइबर मेरे जिगर चले जो कि भाई यार मुझे मतलब ये कमेंट समझ में नहीं आ रहा भाई। यहाँ पे भाई हमारे कमेंट करते कि ड्रैको M10 वो कब आएगी, और देखो एक भाई और है जो कि यही कमेंट करते हैं वो माने मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई देखो तो यही भाई ये कमेंट कर रहे हैं। तो मतलब यार ड्रैको M10 ऑलरेडी अपने गेम में रिटर्न आ रखी है 30 अक्टूबर को ये वाला जो इवेंट है जाएगा, इसका नाम है ईवो वॉल्ट रिंग इवेंट। इसके अंदर आपको 4 गन की स्किन देखने को मिल रही है, तो इसके अंदर ड्रैको M10 ऑलरेडी अवेलेबल है भाई। सब्सक्राइबर्स को नहीं ये शो हो रही हो, बाकी इसका मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन कल मैं शाम तक वीडियो ला दूंगा आप लोग, उसके अंदर सारे कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई नहीं सीटी तो मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा, और अपने गेम में ड्रैको M10 ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लक रॉयल में चेक कर सकते हो भाई हैं। और ये भाई बोलते हैं हमसे कि भाई यहाँ पर ना ये काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ईवो गन को ना कम से कम डायमंड में मैक्स कैसे करें, तो काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन इन्होंने बोला है। तो देखो मैं आपसे को यहाँ पे बता दूं कि ईवो आप लोग जैसे कि आए देखो आप लोग कोई भी ईवो उनको मैक्स करना चाहते हैं ना, तो डायरेक्ट वहाँ पे एक साइड में ऑप्शन आता है अपन को, वहाँ से उसके लिए टोकन जितने लेंगे ना उतने परचेस करने का ऑप्शन आता है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप लोग वहाँ से ना करके जो स्टोर में हमारे क्रिएट्स का ऑप्शन आता है ना, तो वहाँ पे सारे हमको ईवो टोकन के क्रिएट मिल जाते हैं, आप लोग वहाँ से करोगे ना तो कई बार आपको 10 मिल जाते हैं, कई बार आपको 15 मिल जाते हैं, तो इसलिए आपसे कम से कम डायमंड लग सकते हैं, इससे अपने आपके ना 400 से 500 डायमंड आराम से बच जाएंगे। डायरेक्ट परचेस करने की जगह ना आप सभी लोग वहाँ पे क्रिएट का यूज करोगे तो आपके कम से कम डायमंड लगे। तो देखो भाई यहाँ पे हमारे एक भाई को पूछते कि कोबरा बंडर रिटर्न कब आएगा, ये भाई काफी अच्छा काफी सारे यही मुझे कमेंट्स आ रहे हैं जैसे कि मैं आपको देखूँ। सेकंड भाई भी हमारे यही कमेंट करते हैं, थर्ड भाई भी हमारे यही पे ये कमेंट करते हैं, फोर्थ भाई भी यही कमेंट करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे जो कोबरा बंडर ने ये रिटर्न कब आएगा। देखो मैं आपसे एक बात हूँ कि जो कोबरा बंडर है जैसे कि मैंने इसके लिए ऑलरेडी कल एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड की है जिसके अंदर मैंने अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी है, बट आपका आपसे भी नहीं मुझसे क्वेश्चन काफी बार पूछा है। तो मैं आपसे एक बात हूँ कोबरा बंडर हमारे नवंबर के टाइम पे रिटर्न आएगा, दिवाली इवेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद ही हमारे ये वाला इवेंट आएगा। और कई बार गाइस गरीना क्या होता है गरीना डिले कर देती, क्योंकि कई बार गाइस गरीना जो इवेंट है ना इवेंट सेलिब्रेटेड है वो मतलब कि कई बार सर्वर डाउन हो जाते हैं, कई बार गाइस के ग्लिच वगैरह इशू हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। इसलिए आपको ये ना मेरे भाई 20 से 25 नंबर या फिर 30 नंबर तक देखने को मिल जाएगा कोबरा बंडर और ये रिंग इवेंट के आएगा, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर एक भाई कमेंट करते हैं, ये भाई बोलते हैं कि भाई आई एम न्यू सब्सक्राइबर और 10 के सब्सक्राइबर के बहुत जल्द हो जाएंगे। अरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले सब्सक्राइब करने के लिए, दिल से धन्यवाद, और भी अपना कीमती वक्त निकाल के कमेंट करने के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जिस सब्सक्राइबर का सपोर्ट रहेगा तो भाई हम 10K जल्दी जल्दी क्रॉस कर लेंगे। हमारे चंद्रिका प्रजापत भाई हैं वो भी ये कमेंट करते कि भाई 10K सून, तो भैया आपसे सपोर्ट रहेगा मैं जल्द से जल्द पूरी मेहनत करूंगा और 10K जल्द से जल्द क्रॉस करके दिखाऊंगा। तो भाई यहाँ पे हमारे भाई कमेंट करते ये बोलते हैं कि भाई येलो पोकर है 40 डेट प्लीज, रिटर्न डेट प्लीज, और इसके बाद एक भाई और कमेंट करते कि ब्रो पोकर जो MB40 है वो कब आएगी। तो देखो हमारे जी MB40 दो इवेंट आपको देखने को मिल सकते हैं और ये दिसंबर के टाइम पे आने वाली है। एक तो गाइज हमारा रिंग इवेंट के अंदर आपको 4 MB40 रेटअप देखने को मिल सकते हैं, और एक है गाइज हमारे यहाँ पर रेटअप इवेंट, अब रेटअप इवेंट के अंदर भी आपको ये वाला इवेंट देखने को मिल सकता है और रिंग इवेंट के अंदर भी देखने को मिल सकता है। और बात करें कब आएगा तो दिसंबर के टाइम पर रिटर्न आएगी, और ये मॉर्निंग में आपको अगर रिंग इवेंट आती तो मॉर्निंग में 4 बजे आएगी, और अगर मेरे भाई हमारे किसी वेब इवेंट में आती है ना तो ये मेरे भाई हमको कम से कम 10:30 या फिर 9:30 बजे तक देखने को मिल जाएगी। हमारे भाई कमेंट कर तो ये बोलते कि अशासन मास्क कब आएगा भाई प्लीज रिप्लाई दे। देखो यार अशासन मास्क किसी बड़े इवेंट आए जैसे हमारे हिप हॉप बंडल वगैरह रिटर्न आ चुके हैं, तो अशासन मास्क के लिए आपको मेरी वेट करना पड़ेगा। ये गाइस आपको अभी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगी, आपको नेक्स्ट ईयर होली के टाइम पे रिटर्न देखने को मिल सकता है, ऐसा यहाँ पे गरीना की पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है, तो होली के टाइम तक आपको वेट करना थोड़ा सा पड़ सकता है। इसके बाद हमारे भाई करते हैं भाई नेक्स्ट फिस्ट की स्किन कब आएगी। देखो यार अगर आप लोग ये बोल रहे हो कि भाई नेक्स्ट न्यू फिस्ट की स्किन कब आएगी, तो आपको
काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा कि OP 42 अपडेट के बाद ही आपको न्यू फेस्ट की स्किन देखने को मिलेगी। और इसके बाद अगर बात करें भाई आप ओल्ड फेस्ट की स्किन बात कर रहे हो तो ओल्ड फेस्ट की स्किन आपको मेरे नवंबर के टाइम बेटर देखने को मिलेगी, वो है हमारे कोवरा बंडल की फेस्ट की। हमारे भाई कमेंट करते हैं ये भी बोलते कि भाई फ्री फायर में फ्री डायमंड, तो भाई देखो फ्री डायमंड की बात करें तो कहीं ना कभी नहीं देने वाली, पहले हमको ये कभी कभी दे भी देते थे फ्री डायमंड, लेकिन अब तो भाई वो भी नहीं मिलने वाले हैं। हाँ बस आपको एक कॉल बैक इवेंट का ही सहारा है, कॉल बैक इवेंट करते भाई मरे ही नहीं निकलते, बहुत मुश्किल से रो रो के निकलते हैं। और कॉल बैक इवेंट करते आपको डायमंड रिटर्न देखने को मिल सकते हैं फ्री में, लेकिन फ्री डायमंड की तो भाई पता के हिसाब से कोई यहाँ पे मेरे भाई हमारे 2D डिनो का बंडल है, ये अपन को अपने गेम के अंदर रिटर्न देखने को मिलने वाला। यस गाइस यार आपको ये मेरे भाई हमारे यहाँ पे बता जा रहा है, जैसे गाइस हमारे यहाँ पे दशहरा इवेंट खत्म होगा ना तो आपको गाइस हमारे रिंग इवेंट के अंदर देखने को मिल सकता 2D डिनो का बंडल। और गाइस सच्चे तौर ये आपको मेरे भाई यहाँ पर ना ऐसा पॉसिबिलिटी निकल के आ रही कि आपको ये बस इसी का इस 24 तारीख के बाद हमको रिटर्न देखने को मिल सकता है। रिटर्न क्या भाई न्यू आएगा ये यार, रिटर्न नहीं आएगा ये तो न्यू आएगा, ठीक है। तो आपको रिंग इवेंट के अंदर ऐसा पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है आपको देखने को मिल सकता। तो ये से गाइस हमारे कुछ कमेंट्स एंड अपडेट्स जो कि मैं आपको मेरे भाई सारे क्लियर कर देगा, इनसे टाइप कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता तो प्लीज़ कमेंट से पूछ लेना। वीडियो भी तो लाइक नहीं कर रखा है तो वीडियो एक लाइक जरूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर से कर। तो फाइनली बात करते हैं हमारे यहाँ पे कोबरा M40 रिटर्न इवेंट के बारे में, जिसके मुझे पे काफी सब्सक्राइबर लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप लाइक जो से कर दे करो, आप लाइक करना काफी भूल जाते तो मैं आपको प्लीज याद दिलाना चाहूंगा कि प्लीज लाइक जो से करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलो। कोबरा M40 के लिए यहाँ पे मैं पहले ही इन्फॉर्म किया कि कोबरा M40 के लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना, आपको मेरे भाई थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि हमारा जो कोबरा M40 ना वो नवंबर के टाइम पे रिटर्न आने वाला है। नवंबर के टाइम पे गाइज आपको मेरे भाई रिटर्न देखने को मिलेगा, और ये गाइज आपको ना मेरे भाई 7 से 8 तारीख को रिटर्न देखने को मिलेगा। जैसे आपको पता है कि अपने गेम के अंदर ना ईवो वर्ल्ड का एक रिंग इवेंट आया था जिसके अंदर कुछ 4 ईवो स्किन रिटर्न देखने को मिलती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको ऐसा इवेंट देखने को मिलने वाला है। तो वैसे सेम गाइस इन्होंने यहाँ पर ना हमारे ईवो MB40 के लिए भी यही इवेंट डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर आपको ईवो MB40 का ईवो फार्मास ईवो AK47 गलती से AK47 का नाम निकल गया, तो ईवो AN94 एंड ईवो M17 रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं। इसकी पॉसिबिलिटी गाइस हमारे यहाँ पे 9 तारीख को निकल के आ रही है, 8 से 9 के बीच में आ रही है, तो इन दोनों के दिन आपको मेरे भाई यहाँ पर ये दोनों ही इवेंट रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। और गाइस ये रिंग इवेंट है क्योंकि तो हमारा मॉर्निंग में 4 बजे। अगर डायमंड की बात करूँ ना गाइस तो आपके मेरे भाई यहाँ पे 1300 से 1500 डायमंड है, फिर आपके 2000 डायमंड आराम से लग जाएंगे। और अगर आपका लक कराना तो मिनिमम से मिनिमम मैक्सिमम की बात करना तब भी गए आपके 800 से 1200 डायमंड आराम से लग जाएंगे, ठीक है। तो यही ट्राई करना कि मॉर्निंग में 4 बजे आते ही स्पिन करोगे, आते अगर आप लोग स्पिन करोगे ना तो आपके निकलने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे, बाकी अगर लेट स्पिन करोगे तो भाई वही होता कि ग्रेनेड ज़्यादा काट लेंगे ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ यार 10K से क्रॉस करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर देना, वीडियो लाइक जरूर से कर देना, एंड कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट जो से पूछ जा सकते। मिलते हो कैसे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।